गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे व्लॉग सब अच्छे लग रहे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो व्लॉग्स थे नहीं तो मैं पोस्ट कैसे करती, क्योंकि तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी, तो सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मैं पियानो प्रैक्टिस कर रही थी, आप लोग पीछे देख सकते हो, क्योंकि मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और कौस्तुभ से ही सीखती हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा ही सिखाता है। और अगर आप लोग को भी सीखना होगा गिटार पियानो कुछ भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग मैंने कौस्तुभ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, अगर वो आउट ऑफ कोलकाता हो तो। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आई होप हमारे ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो आज है बेसिकली फ्राइडे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। अभी जस्ट कुछ मम्मी के साथ बाहर जाना है डिश वॉशर वगैरह देखने, वो सब काम है, तो वो सब आफ्टरनून में करूँगी। और अभी थोड़ी देर बाद मंदिर भी जाऊँगी, क्योंकि अभी सावन आ रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थर्सडे फ्राइडे मंदिर जाने का। तो कौस्तुभ को लेकर जाती हूँ, क्योंकि फिर स्कूटी से मेरे को आसानी हो जाती है। यहीं पास में बहुत सुंदर सा मंदिर है, तो आप लोग को बहुत बार ब्लॉग में दिखाया भी है, तो आज भी शूट कर लूँगी थोड़ा बहुत। तो चलिए आप लोग एंड तक ब्लॉग देखिएगा। और आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोग को थोड़ा मतलब कम ब्लॉग्स दिखाए, 2-3 दिन मिसिंग थी, तो उसके लिए मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, चलिए तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आई हूँ चिड़ियों को खाना डालने के लिए। आज राइस दे के देख रहे हैं खाते हैं कि नहीं। ये उनका पानी, ये हमारे पौधे। और ये है हम लोग का तुलसी एरिया। तो बाहर हो चुका है एकदम अंधेरा, अभी 10:30 बजे हैं, बस ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, क्योंकि होने वाली है बहुत तेज़ बारिश। देख सकते हो आप लोग वेदर की हालत। तो बहुत टाइम से हम लोग बारिश का वेट कर रहे थे, फाइनली अभी आज होगा, क्योंकि बारिश ना होने से ना एकदम ही गर्मी गर्मी सा हो जाता है, तो अभी स्टार्ट हो भी गई है होने। हाँ, फुल जोर से बारिश हो रही है। तो अभी समय हो रहा है 12:30, तो कौस्तुभ जाएगा ट्यूशन्स, तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे को मम्मी के वहाँ पे छोड़ देने के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे डिश वॉशर देखने के लिए, मम्मी लोग डिश वॉशर खरीद रही हैं, तो वही देखने जाना है। तो निकलते हैं फिर लेट ना करते हुए। तो आज खाने में है राइस, yes. साथ में पनीर। अरे तो ये डालटा जो नहादा लग रहा है। तो कौस्तुभ चला गया है ट्यूशंस, पर मैं उसके साथ निकलने वाली थी, पर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं तो वो नहीं होते, तो मैं कैसे निकलती। तो मेरे को वैसे भी थोड़ी देर बाद ही काम है 3-4 बजे, तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में कपड़े कंप्लीट करके उसको डाल के ड्राई के लिए उसके बाद ही निकलूँगी। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, तो रेडी होके एक नया वीडियो शूट कर रही थी नए चैनल के लिए, तो उसमें भी आप लोग वैसे ही प्यार देना जैसे इस चैनल को दे रहे हैं, तो वो जल्द ही हम लोग अपलोड करेंगे। वो एक्चुअली कौस्तुभ उसको एडिट वगैरह कर देगा, जो भी वॉइस थोड़ी कम होगी तो उसको थोड़ा वॉइस ज़्यादा करके जो भी करना है वो करेगा। कपड़े ऑलमोस्ट डन। तो फाइनली कपड़े धोने हो चुके हैं और सारे मैंने ड्राई पे डाल दिए हैं, और मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर चढ़ के डालना पड़ता है, कौस्तुभ तो इधर से ऐसे डाल देता है। तो फिलहाल अभी मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, बाद में कौस्तुभ को दिखाऊंगी कि कैसा क्या है और कितना क्या एडिट करना है, फिर वो सब किया जा सकता है। वैसे इतने दिनों बाद व्लॉग बना के मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है कि हेलो गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और अभी मैं जाऊंगी घर पे, क्योंकि मम्मी के साथ मुझे डिश वॉशर देखने जाना था, जो कि आफ्टरनून में जाना था, लेकिन आफ्टरनून में इतनी धूप थी और बीच बीच में बारिश भी होने लगी थी, तो फिर मैं सो भी गई थी। और कौस्तुभ तो निकल चुका था और मैं लेट से निकली वो कपड़े उपड़े डाल के। तो बाहर चल रही है काफ़ी सुंदर हवा। तो ये रही घर पे आके मेरी चाय, ब्राउनी बैठी है वेट कर रही है मेरा। तो जस्ट अभी मैं घर पे आई और घर पे आके अभी चाय वगैरह पीते हैं, साथ में मुझे मिले हैं आज गुड्डे बिस्किट।
तो मन कर रहा था समोसा खाने का, तो जा रही हूँ लेने के लिए। तो आने वाली है जोरों की बारिश, पूरा अंधेरा हो चुका है, तो जल्दी से पहुँचते हैं घर, कभी भी आ सकती है। तो सामान मैंने ले लिया है, अब फटाफट से जाते हैं घर पे, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। ये रही मेरी समोसे की प्लेट। तो 8 बज गए हैं और कौस्तव भी आ गया है इतना वेट करने के बाद। अभी हम लोग करेंगे डिनर। डिनर गर्म करने दिया है। मीनवाइल ब्राउनी को देख लो। ओ नो, ओ दूसरे डॉग्स का स्मेल। तो गाइज घर पे आ चुकी हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 9:30 एक्चुअली 9 बजे हम लोग आए, तो फ्रेश होते होते The next day. तो सुबह के बजे हैं 8 और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं गई थी नहाने, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, माँ तो नहीं खाएगी। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी और अभी जल्दी से खा लेंगे। और थोड़ी देर पहले मैं जस्ट नहा के आई, इसलिए बाल थोड़े से भीगे भीगे हैं। वैसे तो मैं आज हेयर वॉश नहीं की क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को मैं हेयर वॉश जनरली अवॉइड करती हूँ। तो अभी कौस्तव है ऊपर क्योंकि उसको मैंने बोला था व्लॉग एडिट कर देने के लिए, उसका ब्रेकफास्ट हो चुका था, वो सुबह सुबह कर लिया, पर मैं नहा के खाती हूँ तो इसीलिए मैं अभी खाऊंगी। तो अभी हम कर चुके हैं ब्रेकफास्ट और अब बनाएंगे चाय, क्योंकि खाने के साथ कभी कोल्ड कुछ नहीं खाना चाहिए, हमेशा हॉट प्रेफर करना चाहिए या ग्रीन टी। तो लेके आ गई हूँ अपना चाय। कौस्तव यहाँ कर रहा है सुबह सुबह प्रैक्टिस। तो अभी हो रहा है व्लॉग रेंडर। तो 2 दिन से व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं था। एक्चुअली एक दिन भी व्लॉग अपलोड ना करो ना तो वियर्ड सा अजीब सा लगता है, बट फाइनली रेंडर हो गया है, अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो आज हमारा व्लॉग होगा लाइव। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉग्स को खाना देने के लिए। तो अभी कौस्तव गया है नहाने और मैं नीचे वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी फिर से ऊपर नहीं जाऊँगी। बार बार ऐसे सीढ़ी चढ़ना मुझे पसंद नहीं है, एकदम भी नहीं, बस वो कभी कभी करना पड़ता है, अब क्या ही करें। ऊपर रहते हैं और नीचे किचन है और नीचे खाने का एरिया है, तो इसलिए यहीं पे खाना पड़ता है। तो माँ गई है बाहर थोड़ा दुकान में और तब तक कौस्तव आता है, फिर हम लोग कर लेंगे लंच। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आज है बहुत ही शुभ दिन, मतलब बहुत ही शुभ दिन। तो आज के दिन हम लोग कुछ भी अच्छा करेंगे तो मतलब उसकी सिग्निफिकेंस ही अलग होते हैं। जैसे आज के दिन अगर हम लोग मंदिर में कुछ चढ़ाएंगे या फिर किसी नीडीज़ को खिलाएंगे जिनको मतलब खाने की ज़रूरत है या जिनको पहनने के लिए कुछ चाहिए उनको देंगे, या फिर सफ़ेद चीज़ें मंदिर में चढ़ाएंगे या चने का दाल मंदिर में चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये है आज का खाना, राइस आलू भुजिया, साथ में है दाल। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं 4:30 और मैं हो गई हूँ तैयार। पहले मैंने सोचा था साड़ी पहन के जाऊँगी बट काफ़ी दूर जाना है और बारिश भी हो सकती है, वाइट साड़ी इसलिए मैंने अवॉइड की क्योंकि वाइट फिर ख़राब हो जाएगी ऐसे ख़राब रास्ते में, तो इसलिए मैंने सूट ही पहन लिया है, एकदम सिंपल, स्कूटी में जाने में आसानी भी होगी। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, पहले मिठाई लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही निकलने वाले थे पर घर पे थोड़े गेस्ट आ गए थे तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो मिठाई ले लेते हैं। जूरी पौड़े, आप ही बोलो। ये रहा मिठाई। तो गुरुजी से हम लोग मिल लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस। तो आ गए हैं हम लोग घर पे और अभी टाइम हो रहा है 1:30, लंच डिनर कर लेंगे, क्या लंच बोल रही हूँ मैं। तो डिनर में आज बना है कढ़ी चावल, साथ में पनीर, तो बहुत कुछ है। तो फाइनली
वापस आए, कितना ज़्यादा ट्रैफिक था मैं क्या ही बताऊँ। पहले मैंने गरम की है कढ़ी अपने लिए, बहुत गर्म है यार। तो खाने में है फ्राइड राइस, राजमा, पनीर बटर मसाला और साथ में कढ़ी। हे गाइस, तो फाइनली घर पे आ चुके हैं और अभी जस्ट सोने जा रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।